दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं। एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं। तू आ जा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल वे सजना आ जा मेरे को। टाई तो बांधते जाओ। ऐसा तुम्हें क्यों है इतना टाई का शौक यार? तुम्हें पता है मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वो ऑफिस जाते थे तो उनकी टाई मैं सेट करती थी। काश के वो जान सकते कि मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। कहते हैं लोग मरने के बाद भी कहीं नहीं जाते, खास करके माँ बाप। मुझे भी ऐसा ही लगता है ताबिश कि बाबा यही है मेरे साथ हमेशा। अरे बस बस बस, अब सेंटीना हो जाना हुँ? पर अब मेरे पेरेंट्स ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, और तुम देखना इंशाल्लाह वो तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। चलता हूँ। बाय बाय। क्या हुआ है भाई? सर वो बेगम साहबा, मैं उनको सेब खिला रही थी, उन्होंने फेंक दिया और फिर छुरी से खुद को जख्मी करना। क्या अम्मा जान? क्या हुआ? वो दादी खुद को जख्मी करना चाह रही। अम्मा जान चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। अम्मा जान प्लीज ऐसा ना करें, ये छुरी मुझे दे दो। लड़की कहाँ है? आयजा का पूछ रही है, शायद मैंने भेजा अली ना। बुलाओ आयजा को। कहाँ है आयजा? ये आ गई। ये आप क्या कर रही हैं दादी? ये आप क्या कर रही थी? कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं गई, यही हूँ आपके पास। ठीक है ना? ये तुम्हारी बहन से शादी नहीं करना चाहता। और क्यों नहीं करना चाहता? किसी और को पसंद करता है। किसी और को पसंद करता है मतलब? अम्मा यह क्या कह रही है, कैसे मुमकिन है? तुम अच्छी तरह जानती हो मानी को, अगर वो एक जगह शादी नहीं करना चाहता तो वो नहीं मानेगा। शराबे पीता है आपका भाई, नशे करता है, ये सब कुछ जानते बूझते भी मैं अपनी बहन की शादी आपके भाई से करने पे तैयार हो गई। I'm sorry भाभी, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता मैं? सच तो ये है कि मुझे उस्मा पसंद ही नहीं थी। अब जरा खुद सोचे ना, आपके जो इंसान पसंद ही ना हो उसे मेरे जैसा बंदा शादी करने का रिस्क कभी नहीं ले सकता। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की। जिंदगी बर्बाद कर मैंने? मेरी तो कभी उससे बात भी नहीं हुई भाभी। हाँ आपको गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आपकी बहन के हाथों से करोड़ों की जायदाद निकल गई। सब समझ गया था मैं कि आपकी नीयत क्या है। मेरी नीयत साफ है सुलेमान, मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। मेरी बहन बहुत हसास है, वो मर भी सकती है। अच्छा है मर जाए तो मैं क्या करूं, लेकिन जिंदा तो तुम ही। इन खिलौनों से मैं नहीं डरता भाभी। आगे मत बढ़ना सुलेमान। अरे भाभी जब आप इरादा करके ही आई है कि मुझे जान से मारना है,
मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या फर्क पड़ता है? तुम बहुत पछताओगे सुलेमान। अरे भाभी, आपका निशाना तो पक्का है ना? ये क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ से बात करने आई थी, ये बताने आई थी कि मैंने अपनी बहन को मना कर दिया, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी नशे में धुत है। फिर मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। मलिक गन छोड़, मैं से जान से मार डालूंगा, मैं से जान से मार डालूंगा। झूठ बोल रही है ये, झूठ। हेलो आयजा जी। अम्मी, लो अपने बाबा से बात करो। बाबा, मैं यही हूं इस घर में जहां से आपको निकाला गया था, जहां अम्मी को कभी कबूल नहीं किया गया था। मैं यही हूं इन लोगों के साथ, और मैं आपसे वादा करती हूं हर एक चीज का हिसाब होगा, इस जायदाद का भी और हर उस पल का जो हमने तकलीफ में गुजारे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? बहुत खुशी हुई कि आ जा पाई हैं, लेकिन ये सब तकल्लुफ क्यों? वो अलीना बता रही थी कि आप शायद अस्पताल गई। अरे आए बैठे आप। मैंने उसको कहा भी था कि बस रूटीन चेकअप है, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, पर चले इसी बहाने आप आई। तो चाय तो पियेंगी ना? चाय मैं लेकर आई, आप बैठ के बात नहीं कर। बड़ी प्यारी बच्ची है। बच्चियां तो सभी प्यारी होती हैं, बस माओं को उनके नसीब की फिक्र होती है। बहुत लाड से पाला होगा आपने उसे। जाहिर है, एक ही तो बेटी है मेरी, बल्कि थी, अब तो आपका हक ज्यादा है उस पर। मुझे हक नहीं जताना, मेरा बेटा बहुत फरमा बरदार, मेरी हर बात मानता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं माफी चाहूंगा। बात कुछ यूं है कि जो मेरा घर है ना, इसमें हर चीज मेरी मर्जी से आती है। जो मुझे पसंद होता है वही इस घर में रहता है। जो चीजें मुझे पसंद नहीं होती उनकी मेरे घर पे कोई जगह नहीं होती। आयशा से कुछ गलती हो गई क्या? पहली दफा हुई है इसलिए आपसे जिक्र कर रही हूं, आइंदा नहीं कर। मेरा ख्याल है आज आयजा को आपके पास ठहरना चाहिए ताकि आप उसे तफसीलन समझा दें कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। भाभी, अब आपकी और मेरी तस्वीर अकेले में। हाँ भाई, तुम भी अपनी भाभी के साथ तस्वीर खिंचवा लो। मैं बस एक मिनट आया। आप प्लीज यहाँ पे ही रहें, मुझे नहीं खिंचवानी है उसके साथ तस्वीर, उसमें से शराब की बू आ रही है। आस्ता बोलो, सुन लेगा वो। देखो एक ही तस्वीर की बात है, खामोशी से खिंचवा लो। अब मेरी तस्वीर भाभी के साथ।
जानती हो उस दिन क्या हुआ था? बहुत तेज बुखार है। दवा तो ले आया हूँ मैं। डॉक्टर कह रहा था कि 2-3 दिन लग जाएंगे इसे ठीक होने में। बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। वैसे तुम उससे शादी करके पछता तो नहीं रहे? सवाल तो मैं आपसे करना चाह रही थी। तुम्हें क्या लगता है? वो एक लड़की की वजह से ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? आप ऐसे नहीं जी पाएंगे। अगर ऐसे जी नहीं पाया तो तुम्हारे साथ मर तो जाऊंगा। फैसला कर लिया। फैसला? कैसे फैसला? मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी भाभी जहाँ जाती हैं आप वहाँ पे शादी कर लें। क्या कहा? क्या कहा थी? आप मुझे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारी वजह से तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं जी लूंगी लेकिन मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। आयजा क्यों पड़ गई है? आयजा मेरी बेटी। आयजा इसे सांस क्यों नहीं आ रही? आयजा 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 इसे क्या हुआ? इसको डॉक्टर के पास लेके चले। तुम्हें उस औरत का मुकाबला करना है। कुछ भी हो जाए इस बार मैं उसे हार का मजा चखाऊंगी। भाभी जी। ये क्या है? भाई देगा मैं। अच्छा ठीक है। वो अपनी आंखों से शरारत करता है, अपनी अदाओं से क़यामत करता है। निगाहें उनके चेहरे से हटती नहीं और वो हमारी नजरों से शिकायत करता है। वो दादी को कमरे से निकालने के वादे कर रही है। चलो ये भी करके देखिए। और अगर दादी ठीक हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखो मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि घर में मुझसे ये बातें मत किया करो। मैं नहीं करना चाहती आपसे कोई भी ऐसी बात। आप मुझसे कई वादे कर चुके हैं। मुझे अपने सारे वादे याद। क्या फायदा हुआ वादा याद रखने? ताबिश ने शादी वही की जहाँ वो चाहता था। क्योंकि मैं जानती थी कि उनके खानदान में जिद बहुत पक्की होती है। उसका भरोसा तोड़ना आसान है, जिद तोड़ना नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों का भरोसा तोड़ना भी मुश्किल है। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी, तो बनाऊंगी। मुझे ऐसे ख्वाब ना दिखाएं जिनको देखकर मैं पहले ही बहुत धोखा खा चुकी। आप आयजा को रोके कि वो दादी को कमरे से ना निकाले।
आपकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। शाबाश आयशा, तुम कामयाब होती जा रही हो। थैंक यू, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की भी जरूरत पड़ेगी। इजाजत की क्या जरूरत? परिंदे को पिंजरे से आजाद करवा रही हो? जरूर, जब चाहो जहां चाहे उसको साथ ले जाओ। बस ख्याल रखना इनका, चाहो तो इसको तारा को भी साथ ले जाना। नहीं, इस बार मैं इन्हें अकेले लेके जाना चाहती हूँ। इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं होंगी ना। क्यों नहीं, जरूर, बस जरा ख्याल रखना इनका। हेलो। हेलो अम्मी। अम्मी दादी बाबा को बहुत याद कर रही हैं। आयशा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि उनका बेटा जिंदा है। अम्मी लेकिन दादी बहुत बीमार रहती हैं, आप जानती हैं। उनकी आंखों में अपने बेटे को मिलने की एक अजीब सी तड़प है। अगर वो बाबा से ना मिल सके और उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज प्लीज उन्हें मिलवा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी, अम्मी, कोमल, जो फरिया है। कोमल, मेरे खाने की बीवी, कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई? अब आ गई अम्मा, हमेशा के लिए आपके पास आ गई। तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी कोशिश नहीं की मेरे पास आने की, मुझे ढूंढने की। क्यों? अम्मा, इतना साफ़ से नहीं मिले क्योंकि सुलेमान का एक्सीडेंट हो गया था। वो फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए क्रेन से गिर गए थे। मेरे बच्चे का, मेरे मालिक का एक्सीडेंट हुआ और वो मजदूरी कर रहा था, मेरा मालिक मजदूरी कर रहा था, उसका वो घर क्यों नहीं आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं उसका इलाज करवाती। दादी, दादी प्लीज मत रो, उसको अपने घर पे रखिए, अपने पास रखिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैंने फोन किया था, मुझे तुम्हारा कोई फोन नहीं मिला, तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने किया था आपको फोन, लेकिन उठाया आपकी बहू ने था। ताहिरा ने? कोमल बेटा, अब तुम मेरे साथ चलो अपने घर। नहीं अम्मा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों बेटा,
क्योंकि दादी ताबिश को ऐसा लगेगा कि ये सारी शादी मोहब्बत ये सब धोखा है जब उसे ये पता चलेगा कि मैं शाह सुलेमान की बेटी हूँ। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे यकीन है कुछ नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो बेटा, आज मेरा एक काम कर दो। जी अम्मा, मुझे मानी की कब्र पर ले जाओगी, मैं उससे माफी मांगूंगी, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर देते, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। अम्मा, मेरे बगैर वो इतना अरसा कैसे रहा हो। अम्मा अम्मा रोए मत। अच्छा इधर इधर तो देखे अम्मा, देखे तो सही, देखे ना कौन है। क्या हुआ है? नथिंग सीरियस, खतरे से बाहर। हुआ क्या था अंकल? मैं तो बस दादी को टहला रही थी और वो बहुत खुश भी थी, फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। और इसीलिए तो एहतियात करने को कहा गया था। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ये सब। नहीं बेटा, तुम्हारी इंटेंशन तो नहीं थी ना उनको नुकसान पहुंचाने की। बाकी जो किस्मत में लिखा होता वो होके नहीं जाता है। और देख, कैसी तबीयत है बिंकी? बेहतर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर कहता थोड़ा वक्त लगेगा, इनका बीपी शूट कर गया। डॉक्टर ने कहा है कि अब इनकी वो उम्र नहीं है कि ये ज्यादा चले, इनको आराम की जरूरत है। अगर तुम यहाँ रुको, मैं जरा बिलिंग से लेकर आता हूँ। जी बेटा, तुम परेशान मत हो, तुमने कुछ नहीं किया। वो हेलो मैम। दादी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे तो नहीं निकलेगी मेरी जान, अभी तो जान में जान आई है। कहाँ है मानी? कौन मानी? मानी, तुमने मुझे मिलवाया था ना? नहीं दादी, मैंने तो आपको किसी से नहीं मिलवाया, मैं क्यों मिलवाऊंगी? तुमने नहीं मिलवाया मुझे मानी से? नहीं दादी, मैंने आपको किसी से नहीं मिलवाया। तो ख्वाब था क्या वो? शायद ख्वाब भी होगा। हाँ,
आप ही होगा। मानिक से मैं कहाँ मिल सकती हूँ? मानिक तो फिर दुनिया में नहीं। दादी आप प्लीज मत रोएं, आपकी पहले ही तबीयत खराब है। दादी चुप हो जाएं। दादी ने सब गड़बड़ कर दी। उन्होंने नर्स के सामने बाबा का पूछना शुरू कर दिया। नर्स के सामने? अभी कोई नहीं है पीछे। फिर क्या किया तुमने? मैंने बात तो संभालने की कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि उसे शक हो गया है। उसके शक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम घबरा जाओगी तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अम्मी मैं इसलिए नहीं घबरा रही कि मैं फंस जाऊंगी। मुझे तो यह है कि अगर ताबिश को पता चल गया तो क्या होगा। ऐसा तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? सुलेमान, ये शाह सुलेमान कौन है? तुमने झूठ बोला था ना? कह दो कि तुमने झूठ बोला था। मेरा मानी जिंदा है ना? ये आप क्या कर रही हैं दादी? मुझे तो खुद पता नहीं मैं क्या कर रही। मुझे तो हर तरफ से अपने बच्चे की आवाजें आती हैं। ख्वाब था क्या वो? नहीं दादी, ये ख्वाब नहीं था। लेकिन आप वादा करें, ये बात आप किसी और के सामने नहीं कहेंगे। आप समझ रही हैं ना? कैसे हो सकता बेटा, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कि मेरा मानी जिंदा है, ये कैसे होगा? दादी बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने सालों से छुपी है। मैं वादा करती हूँ मैं खुद आपको बाबा से मिलवाती रहूंगी, लेकिन आप ये किसी के सामने नहीं कहेंगे। प्लीज दादी, समझ रही है ना? बेटा एहतियात से रहने दो तुम, ऐसा है। जी दादी। आपके साथ एक नर्स का होना बहुत जरूरी है। तुमसे तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन मुझे यही कहा गया कि इस बात का ख्याल रखूं कि आपके साथ हर वक्त कोई नर्स हो। मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से मालूम है।
आपने अभी अभी अपनी इज्जत भुगती है दादू। सारी जिंदगी मैंने जिद ही भुगती है। आलम से तुम्हारी मां की शादी मेरी जिद थी। और तुम भी जाओ, बहुत खिदमत कर ली तुमने मेरी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो बेटा। नजरें चुराने में बहुत माहिर होती जा रही है। मैं शर्मिंदा हूं ताबिश, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम सिर्फ अपनी गलती मान लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुमसे ऐसे बात करता हूं। मोहब्बत करता हूं तुमसे, बहुत मोहब्बत। तकलीफ होती है मुझे तुम्हें तकलीफ में देख के, और तुम्हें नाराज देख के मुझे कितनी तकलीफ होती है जानते हो तुम। हाँ बोलो। वो दादी आपको बुला रही है। मैं नहीं आ सकती। वो मुसलसल जिद कर रही है, उन्हें आपसे मिलना है। उन्हें कह दो मैं घर पे नहीं हूं, और अगर वो मेरी बात नहीं मानी तो। प्लीज उनको नींद का इंजेक्शन दे दो, अगर थोड़ी देर सो जाएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। प्लीज। रंग बिच रंग गई है, अपने पराए सर कर गई है। तेरे जनून साडा लुटे आ सकून, तू बदले बिच सड़ गई है। मुख उत्ते मुख तेरा लुट गया सुख, तू जिंदे जी मर गई है। मैं चंद घंटों के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ। जाओ ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आयजा को बताया कि मैं बुला रही हूं? उन्होंने कहा कि दादी को नींद का इंजेक्शन दे दो। आयजा ने ये कहा? ताबिश ने। और आयजा ने क्या कहा? वो खामोश थी। अरे आलम भाई, हमारी बच्ची कहाँ रह गई है? अरे दाऊद भाई, आपको तो पता ही है कि ये लड़कियां तैयार होने में 3-3 घंटे लगा देती है। हो सकता है कोई कॉल आ गई हो। चलिए मैं लेकर आ गई। अब मामा एक सेकंड। जाओ शरियार, तुम ले आओ जाकर। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं कब कह रहा हूँ कि तुमने कहा है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जाओ अलीना को जाकर ले। अच्छा तुम कह रहे हो तो ले आता हूं। अल्लाह इनकी मोहब्बत हमेशा इसी तरह कायम रखे। ताबिश की शादी पर ताबिश ही जाके आयजा को लेकर आया था। ताबिश को किसने भेजा था आयजा को लेने के लिए? घर में अम्मी हैं तो उन्होंने कहा था। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे अब्बू बड़े रोमांटिक थे। वो तो मुझे याद नहीं है अंकल, क्योंकि जब से होश संभाला अबू को बीमार और तकलीफ में देखा, फिर उन्हीं बीमारियों और तकलीफों से लड़ते लड़ते वो चले गए।
उनका कोई रिश्तेदार नहीं? बिल्कुल थे, पर वो खुद भी किसी से नहीं मिलते थे। मोहब्बत की शादी की थी ना, उसकी सजा पूरी जिंदगी मिलती रही। तो भाई मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है? कुछ लोग बहुत कमजोर्फ होते हैं, मोहब्बत को जुर्म समझते हैं, चाहे वो किसी भी दौर में। शुक्र है मेरे और ताबिश के बीच ऐसा कुछ नहीं, वरना मेरी तो कभी ताबिश से शादी ना हो पाती। Excuse me. आयजा, जाओ बेटा किचन में देख कर आओ। क्या? जी आंटी, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में बगैर नॉक किए आ गए? अगर नॉक करके आता तो ये हसीन मौका मुझे कैसे मिलता? जाओ। अरे अरे अरे, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। मतलब नीचे सब वेट कर रहे हैं? थोड़ी देर और से, क्योंकि मैं कुछ देर तो मैं इसी तरह देखूं। बहुत अच्छे छोरे, जाओ। मुझे तुमसे एक बात करनी। तुमने मुझसे तो पूछ लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा कि नहीं, शादी के वक्त तुम्हें छोड़ूंगा कि नहीं। डर तो मुझे तुमसे है। डर? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाता शादी के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ तुम मिली हो। शादी के बाद कहेंगे तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हें चूज किया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने मोहब्बत पहली बार किया, नफरत में आखिरी बार करूंगी। आई लव यू नोज। देखो मैं कितनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा। पैसे मेरे पास आने वाले हैं, मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की बेटी के साथ जिसने मेरे कारोबार को खा लिया है। बड़ी मुश्किल से उनको शादी के लिए राजी किया मैंने। एक बार ये शादी हो जाए फिर सब कुछ, सब मसले हल हो जाएंगे तुम्हारे। मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दो। ये दाऊद भाई कहाँ चले गए भाभी? आप तो जानते हैं ना, उनकी एक फोन कॉल भी एक घंटे से कम नहीं होती। मेरे ख्याल से आते ही होंगे। बस जैसे ही आएंगे तो हम मंगनी की रस्म शुरू करें। जी बिल्कुल। ये मंगनी नहीं हो सकती। ये मंगनी नहीं होगी, इस घर में ये शादी नहीं होगी। अम्मी ये सब कुछ क्या है? पता नहीं बेटा क्या हुआ, मेरे तो खुद समझ में नहीं आया कि वो अचानक उन्हें हुआ क्या है। वो अपने कमरे से बाहर कैसे आ गई? उनकी नर्स कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो सब कुछ अंडर कंट्रोल था। अंडर कंट्रोल? आप इसको अंडर कंट्रोल कहती है तो आउट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? मेरा बेटा तुम बैठो ना, तुम रिलैक्स करो। मैं सब कुछ कर लूंगी ठीक, तुम परेशान मत हो। शहरयार क्या सोच रहा होगा, उसको अपनी इंसल्ट बहुत फील होती है। बेटा मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ, मैं अभी देखती हूँ, मैं बात करती हूँ लोगों से। क्या बात हुई तुम्हारी दादू से? मेरी कुछ भी नहीं,
तुम ही तो जा रही थी उनके कमरे में बार बार। हाँ मैं उनके कमरे में जा रही थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी कोई बात है। हम दादों को कुछ नहीं बताते। तुम क्या कभी शादी से पहले उनसे मिली थी, उन्हें देखा था? नहीं देखा और ना ही मेरी इस बारे में उनसे कोई बात हुई है। देखो ऐसा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अलीना बहुत सेंसिटिव लड़की है और शरियार को बहुत पसंद करती है। देखो ताबिश, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुम ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है दादू से तुमने बात की है मंगनी की। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगी। मतलब मैं दादी से बात करूंगी कि वो अपना फैसला बदले। आज से पहले इस घर में दादी के किसी फैसले की कोई अहमियत नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ उनके दिमाग में आया कहां से। मैं कह तो रही हूं कि मैं उनसे बात करूंगी। आयजा, अगर तुम चाहती हो कि हमारे दरमियान चीजें ठीक और नॉर्मल रहें, तो तुम दादों से कोई बात नहीं करोगी। मतलब मैं उनसे ये भी ना कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। बस खैर, अब बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पागल बुढ़िया ने आकर तो खेल ही बिगाड़ दिया सारा। लेकिन डैड, थोड़ा सा एटीट्यूड आपको भी दिखाना होगा। उन्होंने एक तरह से हमें अपने घर से निकाला है। उसी घर पे कब्जा करना है मैंने, उसी घर पे। अगर मैंने एटीट्यूड दिखा दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये ठीक कह रहा है, हमें एटीट्यूड दिखाना चाहिए। देखो, ये शादी हर हाल में करनी होगी, वरना बरात खान के जितने पैसे मैंने देने हैं ना, ये घर भी बिक जाएगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। समझते ही नहीं हो बात को। यार दाऊद, आज जिंदगी में पहली बार तुमसे मिलते वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सॉरी। क्या हो गया यार? ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कल अम्मा ने जो कुछ भी किया हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। शालम, तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी की तरह है, और बुजुर्ग अगर कोई बात कह दें तो बुरा नहीं मानते। हाँ शहरयार बेटा, तुम्हें जो भी बुरा लगा है बता दो। इसे क्या बुरा लग रहा है, ये भी हमारा खून है। हाँ खून तो बिल्कुल है, लेकिन इस उम्र में खून बहुत जोश मारता है, और मुझे लगता है शहरयार को अम्मा जान की बातें बहुत बुरी लगी। शहरयार बताओ यार, हम सॉरी करने ही आए हैं। तुमने बेइज्जती नहीं की है जो तुम माफी मांग रहे हो, और ना ही मुझे अंकल से कोई शिकायत है। हाँ लेकिन दादी की बातों ने दिल दुखाया। शहरयार ये तुम क्या कह रहे हो, बड़ी हैं वो, दादी की उम्र की हैं तुम्हारी। मेरी दादी की उम्र की हैं, लेकिन मेरी दादी तो नहीं है ना। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं आंटी, आप इसे कहने दें, रिश्ता तो बहरहाल इसी से जुड़ा है, इसे जो शिकायत है करने दें। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत आपकी दादी को है, और वो मैं उनसे बात करके दूर कर सकता हूँ। उनको मेरे मुतालिक जो भी गलतफहमी है वो मैं उनसे बात करके दूर कर दूंगा। उस दिन मेहमान नहीं थे, अगर ऐन निकाह के बाद सब लोगों के दरमियान अगर वो ऐसी कोई हरकत कर दें तो। लेकिन शहरयार, तुम्हें अच्छा लगेगा कि इतनी बुजुर्ग खातून तुमसे माफी मांगे? मैंने माफी मांगने का कब कहा डैड, मैं तो सिर्फ बात करने का कह रहा हूं। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो जो भी हो। अगर ऐसा हो सकता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या
क्या कहा उन्होंने? शहरयार दादू से मिलना चाहता है और दादू किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तुम अब भी यही कहोगे मुझे कि मैं दादी से बात नहीं करूं? करो यार, तुम प्लीज करो दादू से बात। मैं दादी को बाहर ले जाऊं? बाहर क्यों? क्योंकि ये बात मैं उनसे घर में नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ले जाओ उन्हें बाहर, लेकिन प्लीज उन्हें समझाओ कि अलीना का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। बहन को परेशान नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। दादी आपको इसलिए हरगिज नहीं बताया था कि आप मंगनी खत्म कर देती हैं, शादी ना होने देती। लड़का सही नहीं है तो इसका यही मतलब है ना कि लोग ठीक नहीं हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि आप एक बार खुद से तसल्ली कर लेती, ये नहीं दादी कि आप शादी रुकवा देती। तो फिर आप क्या करूं? आप एक बार शहरयार से मिले, उसे खुद बात करें, और फिर भी अगर आपको वो पसंद ना आए तो जो आपको ठीक लगे। लेकिन अलीना बहुत परेशान है दादी, और मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती। मिल गया तुम्हें सुकून? कर लिया ना आखिर वो जो जो तुम चाहते थे? बस कीजिए खुदारा, बस कीजिए, थक गया हूं मैं ये ड्रामा करते करते। आप दोनों ने मुझे कठपुतली समझा हुआ है, जब चाहे जैसा चाहे नचाने लगते हैं। देख रही हो तुम, देख रही हो किस तरह की बातें कर रहा है ये? आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करवा रहे हैं और अपनी हर बात मनवा रहे हैं। उन लोगों ने अपने घर बुला के हमारी बेइज्जती की है, और अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दूं? बाहर में गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छी तरह से समझ लो। अगर कोई शर्त रखी या ये सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आई ना, तुम्हारी खैर नहीं है। क्या करते हो? बिजनेस करता हूं। कितना पढ़े हो? जी मैंने MBA किया है, और इनफैक्ट अलीना और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मुझे जानते हो? आपका जिक्र तो बहुत मर्तबा सुना, लेकिन मुलाकात का इत्तेफाक बहुत ही बुरा था। ये नहीं जानना चाहते कि मैं ऐसी क्यों हूं और ऐसा क्यों किया मैंने? क्या आपने जाने की कोशिश की कि मैं कौन हूं और आप वो सब क्यों कर रही हैं? मेरे वालिदैन बहुत शर्मिंदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ही मुझे फोर्स करके भेजा है कि मैं जाके आपसे बात करूं। अगर आप घर की बड़ी हैं तो आपको तो वैसे भी हर फैसले में आगे होना चाहिए। उन्होंने मुझे साइड पर कर दिया था, पागल बनाकर कमरे में बंद कर रखा था। और आप एक ही दिन कमरे से बाहर आई और ऐसा फैसला किया जैसे आप सालों से सब जानती? आपने एक बार भी ये चीज जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा दिल टूट सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मैं किसी को दुख दे सकती हूं या दुख दे रही हूं। आखिर दादी आपको एतराज किस बात पे, शादी पे या मोहब्बत की शादी पे?
मेरा एक और बेटा था सुलेमान, उसने भी अपनी पसंद से शादी की थी और इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 25 साल हो गए, वापस नहीं आया वो। ऐसी औरत से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। लेकिन अब तुमसे बात करके अंदाजा हुआ है कि तुम बुरे नहीं हो और अलीना को खुश रखोगे। मेरे माफी मांगने हाथ जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है तो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं। शादी के लिए हां कह दो। अलीना तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकेगी वो, और मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकती। हां कह दो बेटा। दादी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तैयार? हेलो। थैंक यू। तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो ताविश? यू हैव नो आइडिया लीना कितनी खुश लग रही थी यार। तुम्हारी खुशी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि अलीना भी कितनी खुश हो। अच्छा, अब आज के डिनर बाहर करेंगे। श्योर। अभी कहाँ? अभी तो मैं दादी को मॉल में घुमा रही हूँ। तो सुनो, वो दादू को भी थैंक्स बोल दो। थैंक यू तुम दादी को खुद बोलोगे उनके सामने। ओके, अब मैं फोन रख। बाय। ओके, सी यू। आप मुझे देखकर घबरा क्यों गई? नहीं तो वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पिछली बार दादी की तबीयत खराब हो गई थी तो इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन वो यहाँ इस कमरे में तो नहीं है। नहीं, यहाँ मेरे एक जानने वाले एडमिट है। अच्छा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों, तुम्हें नहीं जानते हूँ? मेरा काम ही कुछ ऐसा है ना, मुझे किसी को बगैर जाने उनकी मदद करनी होती है। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है कि दादी भी उस शख्स को जानते हैं। हाँ, फोन पे किसी से ये कह दिया जाए कि मैं मॉल में हूँ तो वो यकीन कर सकता है। मैंने तो खुद तुम्हें दादी के साथ देखा है यहाँ इस कमरे में। प्लीज, तुम अंदर नहीं जा सकती, उसके लिए तुम्हें मैनेजमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। मैं नर्स हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज, तुम अंदर नहीं जा सकती। आखिर तुम ऐसा क्या छुपा रही हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे नहीं बता सकती या फिर किसी को भी कुछ नहीं बता सकती? फिलहाल मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं कुछ तो जान चुकी हूँ। जैसे कि इस कमरे में जो मरीज है उसका नाम शाह सुलेमान है, लेकिन
ये नहीं जानती कि इस शख्स का तुमसे क्या रिश्ता है। जो भी है, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर तारा मैडम ने मुझसे कुछ पूछा तो फिर मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी ना। मैं जान जाऊंगी कि इस कमरे में कौन है और इस शख्स का उस घर से क्या ताल्लुक है। मुझे लगता है कि तुम अपनी ही फैलाई हुई जाल में फंस चुकी हो। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी तरह तायरा मैडम को हरा सकती हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा ये राज कभी ना कभी तो उनको पता चल ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात का उन्हें तुमसे पता नहीं चलेगा। अगर आज एक लफ्ज में मुझसे कोई खूबसूरती की तारीफ पूछे तो मैं तुम्हारा नाम लूं। बस ऐसी लाइन कोई मुझे शहरयार से सुननी है। तुम्हारी ज्वेलरी कितनी डेलिकेट है, किससे बनवाई? बनवाने का टाइम ही कहाँ था, ये तो मैंने कल जाकर ली है, जो हाथ लगा मैंने उठा लिया। बाकी शादी के बाद बनवाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैडम के और चीजें खरीदने के भी प्लान्स? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है हमारे यहाँ कितनी दावतें होती हैं शादी के बाद। एक तो हमारे इतने सारे रिश्तेदार, ऊपर से शहरयार के भी बहुत रिश्तेदार हैं। अच्छा मुझे बताएं, वो लोग आ गए? मुझे लगता है वो दो मिनट में आ ही रहे हो, मैंने देख लिया।
मत पिटिए। तुमसे कहा अगर आज मुझसे कोई खूबसूरती के एक तारीफ पूछे तो मैं तुम्हारा नाम दूंगा। आज मुझे रटी रटाई चीजें नहीं सुननी, वो सुनना है जो तुम्हारे दिल में, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ, और इस मोमेंट को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। तुम मेरे दिल में बसती हो कि जैसे हो कोई धड़का। कहीं जब दूर जाती हो तो धड़कना भूल जाता है, मेरी आंखों में अब कोई तुम्हारे पे नहीं जचता। मुझे मजबूर करता है मेरा दिल तुमसे कहने को मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही गर्द जारी है, फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। ये तुमने मेरे लिए लिखी है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। हाय हाय, तुम कब आई? कैसी हो? ठीक है मामा। अरे वाह, आज तो कोई फॉर्मली तैयार होके मेहमानों की तरह आया भाई। अब मेहमान हो गई हूँ तो मेहमानों की तरह आऊंगी और मेहमानों की तरह खिदमत भी कराऊंगी। फिर वही बात, कितनी बार कहा है हम इस घर में मेहमान नहीं है। अच्छा नाजी, सेंटी क्यों हो रही? तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप लोग सब कुछ छोड़े, मैं आपको दिखाती हूँ शहरयार ने कितने खूबसूरत अंदाज में मेरी तारीफ। गाओ। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही गर्द जारी है, फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। वाह, ये मासूफ तो शायर भी निकले है ना। मैं पता था, मैं भी सरप्राइज हो गई थी। इंटरेस्टिंग। सॉरी मैं लेट हो गई। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। खूबसूरत लगने में कुछ वक्त तो लगता है। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई बात बुरी ही नहीं लगी। आयजा बहुत लकी है। हाँ, लकी तो है। एनीवेज बताइए क्या आप लेंगी? आप यहाँ की कॉफी बेहतरीन है। बताइए। आर यू श्योर? कॉफी बहुत अच्छी। तो फिर क्या बात कर रही थी? और बताइए कौन है वो जिसको आपसे मोहब्बत हुई है? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं सकता। ना मिलना तो बाद में देखेंगे, सब नसीबों की बातें होती। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि ना वो मेरी नसीब में है और ना ही मेरे हाथों की लकीरों में। अच्छा, लाइए जरा अपने हाथों की लकीरें, मैं भी तो देखूं कि उसमें क्या है और क्या नहीं। आपको हाथ देखना आता है? आता है। फिर तो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको अपना हाथ, आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा चलें, बताइए कौन है? है कोई जिसको मैं दिल से चाहती हूँ और आज बहुत हिम्मत करके उसको ये बता देना चाहती हूँ। तो
पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिम्मत करें और बता दें, कह दें उसे। अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैंने ही बुलाया आज यहाँ पे, इनफैक्ट ये तुम्हारी बहुत मदद भी कर सकती है। अरे आओ, बल्कि मैं एक सीट लेके आता हूँ। ताबिश तुम पहले बाहर गाड़ी देख लो, ड्राइवर ने शायद गलती से हिट कर दी। ओह माय गॉड, ज्यादा तो नहीं लगी? मैं देखता हूँ यार। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, तो फिर ताबिश को इस तरह से यहां बुलाने का क्या मकसद था? उसने मुझे कहा था कि साथ में कॉफी पीते हैं। झूठ मत बोल। ताबिश अगर ऐसा होता तो वो यहां मुझे नहीं बुलाता। क्या चाहती हो तुम? ताबिश को चाहती हूँ, वो चाहिए मुझे, और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो सबको बता दूंगी कि तुम्हारी हकीकत क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने होश में तो? होश तो खो बैठी थी जब पता चला था कि वो तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हें उस घर से निकलवा दूंगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं अच्छा, वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? तुम तो खुद एक बहुत बड़ी झूठी हो। लेकिन मेरे झूठ का ताल्लुक तुमसे नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक ताबिश से है, और शायद जुड़ जाता अगर तुम बीच में ना आती। अगर तुमने एक बार और ताबिश का नाम अपनी जबान से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ताबिश, ताबिश, औकात में हो? औकात तो अब मैं तुम्हारी बताऊंगी ताबिश को। जान कर रहूंगी ये उस कमरे में मौजूद शाह सुलेमान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और फिर ये सारी हकीकत ताबिश को बता दूंगी। देखती हूँ कि दुनिया में जिस शख्स पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है उससे धोखा खाएगा तो कैसा महसूस करेगा। अपने आप को समझती क्या है? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझती जा रही है? जानती भी है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों को अपना कहा ना मानने पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। मैं यहाँ आपको मुबारकबाद देने आई थी। क्या मुबारक? खुले बाल, शादी की तैयारियां, आपका प्लान कामयाब हो रहा है। ताबिश ने तुमसे बात की है क्या? न सिर्फ उसने मुझसे बात की बल्कि वो मुझसे मिलने भी आया। वाकई? तुम सच कह रही हो? हाँ। बस अब तुम डटी रहना, तुम देखना मैं कितनी जल्दी तुम्हारी उससे शादी करती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, इस बार कोई निशाना नहीं छूटेगा। चूकना भी नहीं चाहिए। बात मेरी इज्जत की है। मैं इस बुढ़िया को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की जिंदगी में जिल्लत लिखी होती है, जैसे कि इसकी जिंदगी में। सच कह रही हूँ ना? वो तुमसे आया था मिलने? आ जाओ भाई। आज का सारा खाना अलीना ने बनाया है। अच्छा, अरे भाई ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, आराम करो, इसके लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। बहुत प्यारी बच्ची है,
मुझे सब्जी काटता हुआ देख के कहने लगी कि आज का खाना मैं बनाऊंगी। मैंने सारी रेसिपीज इंटरनेट से देखकर बनाई है। अच्छा, नहीं सीख जाओगे तुम, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। अब तुम ही ने तो संभालना ये सब कुछ। देखते हैं तुम्हारा इंटरनेट क्या कहता है। अरे ये ईमेल आने वाली बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज पता नहीं सुबह से आज मेरे भी पेट में बहुत दर्द था। सोच रही हूँ खाना ना खाऊं, आराम कर लेती हूँ। खाना खाऊंगी कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए। तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। बहुत अच्छा बना। मुझे पता था तुम मुझे कॉल बैक करके शायरी जरूर सुनाओगे। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। तुम मेरे दिल में बसती हो कि जैसे हो कोई धड़कन, कहीं जब दूर जाती हो धड़कना भूल जाता है। मेरी आंखों में अब कोई तुम्हारे बिन नहीं जचता। मुझे मजबूर करता है मेरा दिल तुमसे कहने को, मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में अब तुम्हारे ही नाम का विट जारी है। फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। कौन? जिसके लिए ये नज़म कही गई थी। हेलो, हेलो, मैं तो तुम्हारा इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगी और मुझे वो बात बताओगे जो तुम बताना चाह रही हो। दादी उसे यहां से निकाले। किसे? फराह को। दादी फराह को? ए, क्यों उसकी जान के पीछे पड़ गई हो? आखिर माजरा क्या है? दादी वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? हाँ दादी। ए, अब जल्दी से मुझे एक ही सांस में बता दो कि असल बात है क्या। दादी वो ताबिश से शादी करना चाहती। क्या? हाँ, वो ये भी जानती है कि मैं हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाती हूँ। ये बात उसने किसी को नहीं बताई, लेकिन वो कहती है कि मैं ताबिश को छोड़। क्या खाना भी बनवाया? आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी। तुम पहली बार किचन में गई, किसी ने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, आगे ये सब कैसे करोगी अलीना? मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहली दफा खाना बनाया था तो तुम्हें पता ही है कैसा बना होगा। देखो अलीना, मेरे लिए इस घर में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आई, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। मैं कर लूंगी,
लेकिन क्या लेकिन? असल मसला ये नहीं है। तो फिर क्या है? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक लड़की मुझे बार बार फोन कर रही है शरियार के बारे में, ऐसी बातें बता रही है जो जिनसे ऐसा लगता है कि वो और शरियार पहले दोस्त से ज्यादा थे। लेकिन तुम दोनों भी तो एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो ना? वही तो मैंने शरियार से रात को पूछा था, बहुत अजीब सा रिएक्ट किया, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझे धोखा नहीं दे रहा। मुझे बहुत प्यार करता है, देखो अलीना मेरी बात मानो, कुछ दिन यहीं रहो सुकून से। अच्छा मैंने तुम्हारे लिए एक जगह पे बात कर ली है। ओके मेरे बारे में? हाँ वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है। ओ हाँ, तो ये बस मैं तुम्हें नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम इनसे बात कर। और तुमसे? मतलब तुमसे कैसे बात होगी? अब क्या मैं हर बार तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? ऑफिस आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम कहीं बाहर मिलना चाहती हो तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। तुम आयजा को जो बुला लेते हो उसका क्या होगा? Come on यार, तुमने तो मुझे कोई बच्चा समझ लिया जो हर बात घर बताता। बच्चे ही तो हो तुम, हर बात आयजा को बता देते हो। अच्छा ओके ओके, अब नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अरे अम्मा, आई 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 आई, अच्छा आई बैठ। कैसी है अम्मा? ठीक हूँ शुक्र है। नाश्ता किया था आपने? हाँ किया था। चलो बेटा बैठा। शेरियार से कहना एक दिन मैं आऊंगी उसके कान खींचूंगी। आपसे मिलके बहुत खुश होंगे, मुझसे कह रहे थे कि दादो बहुत अच्छी। और उससे कहना दादो की पोती उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। माशाल्लाह बड़ी खिदमत हो रही है, क्या चक्कर है? आज अब तुम्हारी कमी थी। और तुम्हें क्या हुआ? बहुत कमजोर लग रही हो, कोई टेंशन है? नहीं तो मैं तो कमजोर नहीं हुई। नहीं लग रही हो, आई थिंक शेरियार ख्याल नहीं रखता, तंग करता होगा। नहीं वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं तो कोई कमजोर नहीं हुई। नहीं बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सुना जल जल के मर जाना। अच्छा लेकिन रंग तो तुम्हारा खराब हो रहा है, बहुत खराब। मेरा रंग खराब है? मेरा रंग खराब है? मामा देखे ना मुझे नीचे मार। खबरदार जो तुमने कहा कि इसका रंग खराब है, इसका रंग तो बहुत खराब होगा। Oh
हेलो हेलो, तुमने अभी क्यों फोन किया? तुम्हें पता मैं घर पे हूँ। उफ ताबिश, अब ये मत कहना कि आयजा भी तुम्हारे साथ ही है। उफो, वो कमरे में नहीं, लेकिन अगर वो होती तो मेरा फोन जरूर देख लेती। अच्छा ये बताओ कि किस नाम से सेव किया है मेरा नंबर? बस तुम्हारे ही नाम से सेव किया, और किस नाम से सेव करूंगा फरा? अच्छा मुझे लगा कि तुम किसी और नाम से सेव करोगे। अच्छा कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है? हाँ मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुम्हें खुद बताऊंगा जब मिलना हो। ओके गर्लफ्रेंड बना लिए क्या? नहीं तो फिर इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, और मैं रोज इतना ही तैयार होके ऑफिस जाता हूँ, और अभी भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। हाँ वो तो है, पर आज हैंडसम थोड़े से ज्यादा लग रहा है। शॉपिंग तो नहीं करनी? तुम्हें कैसे पता? I know you. अरे लेकिन मैं एक्चुअली तुम्हारी तारीफ कर रही थी। बस बस मिल जाएंगे पैसे। ताबिश बहुत बुरे हो तुम। बेगम साहिबा इतना तो आपको समझ ही चुके हैं। ओके जान, मैं जा रहा हूँ, और ऑफिस जाते ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे मैम। चलता। सुनो ऑफिस ही जा रहे हो? ऑफ कोर्स ऑफिस ही जा रहा हूँ, क्या हो गया? बाय बाय, सी यू। बाय बाय। जी तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर किसी ने देख लिया, बाबा ने देख लिया तो मसला हो जाएगा, समझो। फिकर नहीं करो, मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो बाहर गए हैं मीटिंग के लिए। तुम ना बिल्कुल बच्चे हो, बिल्कुल एक छोटे डरपोक बच्चे। जी जी बिल्कुल। ये खुशबू किस चीज की है? ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, आयजा ने दिया था और कहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मेक अ विश कर सके। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे डियर ताबिश, happy birthday to you, yay! And this is for you, my love. Thank you. You're welcome. लेकिन एक और चीज़ बात। Surprise. What is this? It's a surprise perfume. यानी surprise भी खुद ही बता दिया कि perfume है। ताबिश तुम्हें पता तो है मैं ये सरप्राइज सरप्राइज नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, इसको लगा के देखते हैं कि आपकी जो चॉइस है कैसी है। इट्स वेरी नाइस, यू लाइक इट? लव इट। इस परफ्यूम की एक और खासियत, ये माहौल को और भी रोमांटिक बना देता है। अच्छा जी, सामने बैठा इंसान जरूरत से ज्यादा हसीन है, और इसकी खुशबू की तासीर सीधी दिल तक पहुंचती। Really? वैसे बात बताइए, ये जो परफ्यूम है आपने बनाया था? नहीं, दुकानदार ने तो ऐसे ही बताया। Good one. अच्छा एक और चीज। जी जी मैम। तुम ये परफ्यूम सिर्फ तभी लगाओगे जब तुम मुझसे मिलोगे। आपके हुक्म की तामील होगी मैम। वादा करो। पक्का वादा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा प्लीज तुम अब जाओ यहाँ से, ऐसे किसने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। आई प्रॉमिस जब भी मिलना होगा मैं खुद बताऊंगा।
मैं बस तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मेरी शादी तय हो गई है। शादी? हाँ, मैं बहुत जल्द ये शहर और नौकरी दोनों छोड़ के चली जाऊंगी। चलो भाई, इधर रख लो। मेन्यू क्या देख रही हो? वो लड़की यहाँ है। कौन लड़की? बिस्मा, जो मुझे फोन करती है। देखो वो बैठी है। क्या, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? उससे बात करने। तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, तुम्हें तंग करेगी। मैं उससे पूछूं तो सही, वो क्या चाहती है? लीना बैठो नीचे, तुम उसके पास नहीं जाओगी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, चलो हम कहीं और चल के लंच करें। हेलो बिस्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच करने आई थी, बल्कि अलीना भी मेरे साथ। ओ, कहाँ है वो? बाहर है, बहुत बेचैन हो रही थी तुमसे मिलने के लिए। देख लो, तुमने कहा बेचैन कर दो और हमने कर दिया। अच्छा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था शहरयार को दोबारा हासिल करने के लिए। तुम्हारे रास्ता दिखाने से तो मंजिल और आसान लग रही है। अच्छा सुनो, अलीना को ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि वो शहरयार से दूर रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कर लेंगे। और कोई हुक्म? तुम बस अपना काम करती, बाकी सब तो मैं देख ही रही हूँ। तुमने मुझे नाश्ते के लिए उठाया ही नहीं। रोज हम नाश्ता एक साथ करते हैं ना। वो तो आपकी ही जिम्मेदारी है बेगम साहबा, पहले उठना और उठाना। आज डिनर पे चलें? अब हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं अम्मी को भी कह दूंगी। अम्मी को क्यों? अम्मी इतने दिनों से घर में कैद हैं, वो भी साथ चलेंगी तो अच्छा होगा। हाँ, वैसे भी कैद लोगों से तुम्हें वैसे भी बहुत हमदर्दी है। क्या तुम? अच्छा चलो, देखो नाश्ता लगा कि नहीं। देखती हूँ।
हेलो यार, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे हुआ करूं फोन मत किया करो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन काबिश तुम रो क्यों रही हो? मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं और मैं ये शादी नहीं करना चाहती ताबिश। हाँ तो मना कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? नहीं सुन रहे, ऐसा लगता है उन्हें मेरी कोई बात ही नहीं माननी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने से मसला हल हो जाएगा? रो नहीं तो और क्या करूं, एक बुढ़े इंसान से जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। बुढ़े से? प्लीज तुम मेरे घर वालों से बात करो, उन्हें समझाओ, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे ताबिश। अच्छा मैं बात करता हूँ। साहब आयदा भी बुला रही, नाश्ते तैयार। जाओ तो बस इसी तरह तुम लोग खुश रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी। हेलो जी, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं, जैसे ही होंगे मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है। डैड हम ऑफिस जाके बात करते हैं। क्या ये आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि आप मेरा हशर कर देंगे, मुझे तबाह कर देंगे? डैड 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 आर यू ओके? आइए बैठिए। थैंक यू। क्या है ये सब? और तुम रो रही थी? तो और क्या करूं, सारी जिंदगी घर वालों की खिदमत की, जो कहा सब किया, सब कुछ सिर्फ उनके लिए किया, और वो अब मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। शादी करने में क्या बुराई है फिर? ये सिर्फ आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी वहां हुई है जहां आप चाहते थे। अब हर किसी की किस्मत आयजा जैसी तो नहीं होती। आयजा कहां से बीच में आ गई? आयजा ही तो बीच में आई है। क्या मतलब? मैंने सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की है ताबिश, सारी जिंदगी सिर्फ एक शख्स को चाहा है और वो तुम हो ताबिश। क्या कह रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही ताबिश, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उस घर में आई थी, मैं वहां से चली जाती अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती। क्या क्या कह रही हो तुम ये? ताबिश मैं सिर्फ तुम्हें सोचती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अगर तुम्हारी शादी आजा से हो सकती है तो मुझसे क्यों नहीं ताबिश? जबरदस्ती नहीं हो सकती फरहत, पागल तो नहीं हो गई? छोड़ो मुझे, जबरदस्ती हासिल करूंगी,
फायदा से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता रहूंगा ऐसा से। फरा आज तो नहीं आई वो, क्यों? अरे मुझे क्या पता, कल आएगी तो पूछूंगी ना। तो तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। क्या हुआ है? काबिश कल दोपहर से नहीं आया दादी, और फोन भी नहीं उठा रहा। किसी दोस्त के यहाँ गया होगा ना। आपके पास फरा का नंबर है? ये लो, इसमें लिखा। क्या पिलाया था तुमने? हाँ? थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पिलाया था? खोलो इसे! ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आराम से कह रहा हूँ, खोलो इसे। जब तक तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, ये दरवाजा तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी औकात में रहो और खोलो इसे। नहीं। दूर रहोगे हाँ? क्या तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी? मुझे तुमसे ना कभी मोहब्बत थी और ना कभी मोहब्बत होगी, और तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। खोलो इसे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खोलो इसे। फरा, दरवाजा खोलो। ये सब क्या चल रहा है? फरा, ये ताला लगा हुआ है, चाबी लेके आओ, चाबी लेके आओ। कौन होगी? कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। फरा, कौन है तुम्हारे साथ? क्या खेल खेल रही हो तुम? क्या खेल खेल रही हो? सिर्फ एक बार कहना कि मोहब्बत है। मैं तोड़ दूंगा इसको। चाबी नहीं अंदर। नहीं। फरा, सोच लो, अगर तुम इस कमरे से बाहर गए तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मत लगाओ मुझे। तू जाओ, दरवाजा खोलो। सामने फंस गया हूं मैं। क्या हो गया है आखिर? दरवाजा खोलो। परा, बाबा चाबी। ला ला ला। बाबा जल्दी करें, बाबा Ha ha ha!
तुम कहाँ जा रही हो? जॉब पे। मुझे यहाँ फंसा कर खुद जॉब पे जा रही हो? मैं तुम्हारी तरह पैदाइशी रही जादी नहीं, मुझे हर रोज घर से निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है। अगर घर से नहीं निकलूंगी तो गुजारा कैसे होगा? देखो मैं यहाँ से जबरदस्ती भी जा सकता हूँ। अच्छा तो तुम शोर मचाओगे? बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। वो कौन है भाई? शायद भाई माजिद, सब खैरियत तो है? हाँ यार, वो दरअसल गलती से चूहा आ गया था, भागने की कोशिश कर रहा था, दबोच लिया मैंने उसे। अच्छा अच्छा, मैं समझा कोई चोर वोर आ गया। एहतियात करो, हालात ठीक नहीं है, चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, एहतियात। ये फोन लो और अपने बाबा को फोन करके बताओ कि तुम आज नहीं आ सकते, और ज्यादा होशियारी दिखाए तो इस बार ऐसा शोर मचाऊंगी कि चूहा वाकई में मर जाएगा। हेलो ताबिश बेटा, कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम बाबा। ओ बाबा, मैं अभी भी हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा बेटा, वो आयशा बहुत परेशान थी, तुम्हारा पूछ रही थी बार बार, तुम्हें बता के जाना चाहिए था उसको। जी जी, मैं उसे बता दूंगा, बस अभी इतना बताना था कि मैं देर हो जाएगी आज भी ऑफिस आते। बस सिर्फ इतना ही, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, कमस उसको मेरा फोन तो दे दी जाओ। आप ताबिश, क्या जो मैं सोच रही हूं वो सच? हंसना बंद करो। हो भी सकता है सच हो, और शायद झूठ भी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि ताबिश से मोहब्बत है मुझे, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। फरा, एक बात याद रखना, तुम ताबिश को कभी हासिल नहीं कर सकती। सिर्फ तब तक जब तक वो ये नहीं जानता कि तुम शाह सुलेमान की बेटी हो। हाँ मैं हूं शाह सुलेमान की बेटी, इस घर के वारिस की बेटी हूं, और ये बात मैंने सबसे छुपा के रखी, क्योंकि मेरी नीयत इस घर को बर्बाद करने की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ताबिश से सच में मोहब्बत हो जाएगी। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इन सारी बातों पे यकीन करेगा? हाँ, उसको यकीन दिलाना मेरा काम है, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा, हर बार हार मेरा मुकद्दर नहीं बनेगी। फरा, मेरे अंदर जिस बाप का खून है, मैं अपनी जान दे दूंगी पर अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ूंगी। जान दे दूंगी, मोहब्बत नहीं छोड़ूंगी, क्या ये अल्फाज सिर्फ तुम लोगों के लिए बने हैं? तुम्हें लगता है कि दूसरों के एहसासात नहीं होते? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है? हाँ तो और क्या, तुम जानती हो मेरी जिंदगी कैसे गुजरी?
मेरे बाप ने किस तरह दर दर की ठोकरें खा के मुझे पाला है, कितनी तकलीफ में रही हूं मैं, तुम जानती हो? तुम जानती हो कि मैं किस तरह पली हूं, किस तरह मेरे बचपन ने मुझे रोंदा है। उस चीज की जिम्मेदार मैं नहीं हूं और ना ही उसका ताल्लुक इस घर से है। बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हारी माँ से शादी करने के लिए शाह सुलेमान ने जिस औरत से शादी करने से इनकार किया था, उसकी बेटी हूं मैं। मेरी माँ से शादी करने से इनकार किया था शाह सुलेमान ने, और तुम जानती हो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने गुस्से में आकर एक नफ्सियाती इंसान से शादी कर ली जो हर वक्त उसे मारता रहता था और वो रोती रहती थी, वो मारता रहता था। माँ खामोश हो गई लेकिन वो मारता रहता था और माँ पत्थर की बनी रहती थी। और फिर वो मर गया और मेरी माँ वो भी मर गई। मुझे तायरा ने पाला है माँ बनकर, वो मेरी खाला है। मेरी माँ हार गई थी लेकिन मैं नहीं हारूंगी। क्या कह रही थी? बस बार बार पूछ रही थी ताबिश कहाँ है, ताबिश कहाँ है। कहना था बता देंगे कहाँ है, इंतजार करें। लेकिन ताबिश का करना क्या है, वो भाग सकता है वहां से। तुम उसे भागने दोगी? इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें उसे अपनी मोहब्बत का सबूत देने का। नामुमकिन, वो मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। बदनाम कर दो। क्या करूं, पहले अपनी बहन को हक नहीं दिला सकी, अब अपनी बहन की बेटी को भी हक ना दिलवाऊं। बदनामी से मत डरो, पैसा हर ऐब धो देता है, बदनामी सिर्फ गरीब की होती है। डरने की जरूरत नहीं, इस बार मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक? मैं आपको अब भी ना बताती बाबा, अगर बात इतना ना बढ़ी होती तो। तुम्हारा जेवर बिक गया और मुझे पता ही नहीं। इसका मसला नहीं है बाबा, मसला तो ये है कि वो लोग परेशान, शहरयार परेशान है। प्लीज कुछ करें बाबा, वो ये पैसे वापस कर देगा, मैं जानती हूं उसको। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सच बाबा? बाबा थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। अब कैसी तबीयत है आपकी?
वैसे ये गलत बात है, आप लोगों को हमें बताना जरूर चाहिए था। ओ, बात दरअसल ये कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन सलमा आप जरा बाहर चलेंगे मेरे साथ? बड़ा अफसोस हुआ दाऊद तुम्हारी बीमारी का सुन के। यकीन जानो हलीना बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से। बड़ी मासूम बच्ची है, पता है मेरी हालत देखकर वो बहुत घबरा गई थी। क्या दाऊद वजह क्या है? आप लोग सोच भी नहीं सकते, इस वक्त हम लोग कितने परेशान हैं। मुझे तो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम इस तरह रोती रहोगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या परेशानी? हलीदा ने बताया नहीं? वो बेचारी चुप होती तो बताती ना, उसने तो सिर्फ मुझे ये बताया कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ। बात दरअसल ये कि मुझे कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और तुम तो पुराने कारोबारी हो भाई, कारोबार में नफा नुकसान तो चलता है। नुकसान बहुत बड़ा हो गया। कितने का नुकसान हुआ है तुम्हें? हाँ? बताओगे तो कुछ होगा ना? दरअसल इस वक्त हमें 5 करोड़ की बहुत सख्त जरूरत है। 5 करोड़? मैं जानती हूँ ये रकम बहुत ज्यादा है, मगर इस वक्त हम लोग बहुत परेशान। और ये नुकसान कब हुआ था? कुछ अरसा पहले। कितना अरसे पहले? तकरीबन 6 महीने। मगर पहले तो तुमने ऐसी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। दरअसल वो समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सोचा कि शॉर्टकट मारते हैं, अमीर घराने में बेटे को ब्याहेंगे, फिर लड़की वालों से नुकसान पूरा करवाएंगे। यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ? इसीलिए तुमने शादी में जल्दबाजी की थी? हाँ? नहीं आलम, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है दाऊद। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे दूंगा? सारी जिंदगी मेहनत किया उस आदमी ने, तब कहीं जाकर इस मकाम पर पहुंचाया और तुमने एक झटके में मुंह फाड़ कर इतनी बड़ी रकम मांग ली। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं अपनी बेटी की वजह से तुमसे ब्लैकमेल हो जाऊंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, शायद तुम्हारी मदद भी कर देती,
लेकिन तुमने रास्ता गलत इख्तियार किया। और अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल है कि मैं ये शादी खत्म नहीं करा सकता तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं और वो तुम्हारे घर में खुश नहीं है। तुम्हें अब कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अलीना को तो मैं वापस नहीं भेजूंगी। तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो। हाँ, बहू अब क्या ऐसी लाना जिसको सब्जी बनाना आती। तुम नहीं जा सकते। जाओ बाहर, मोहल्ले वाले तुम्हारी जान ले लेंगे। खुदाया, तुम मुझे घर जाने दोगी या नहीं? पूछोगे नहीं मैं कहां गई थी? किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं, पूरा इत्मीनान करके आई हूं। ठीक है, मत करो यकीन। आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे घर जाना है फरा, मुझे घर जाने दो। पहली बार तो इतने करीब आए हो और घर जाने की बात कर रहे हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? हाँ, किस मिट्टी की बनी हो? भरोसा करने लग गया था तुम पे। तुम्हारी खातिर मैंने आयजा से झूठ बोला और तुमने तुमने क्या किया मेरे साथ? नाना के फंसा दिया मुझे। ऐसे मौकों के लिए तो लोग तरसते हैं, तुम ऐसे ही चले जाओगे? जरा सोचो। तुम जैसे घटिया लोग ऐसे मौकों की तलाश में रह सकते जिसने अपनी परवाह न अपने माँ बाप की। तो भाई कैसे माँ बाप है जिन्होंने अपनी जवान बेटी को कमरे में लड़के के साथ अकेले छोड़ दिया? अब इन्हें मोहल्ले वालों की फिक्र नहीं है? मोहल्ले वालों का खौफ नहीं है? वो भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। जिस चीज को मैं हासिल नहीं कर सकती उससे मैं किसी के काबिल भी नहीं छोड़ती। तुम उसे छोड़ो या ना छोड़ो लेकिन वो तुम्हें जरूर छोड़ेगी। देखते हैं कौन किसे छोड़ता है किसे नहीं। लीना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी नहीं, उस वक्त जब हमने तुम्हारे और शहरयार की शादी का फैसला तुम्हारे कहने पर किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? वो लालची हैं बेटे, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो लालची हो सकते हैं लेकिन शहरयार ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तुम्हें हम पे एतबार नहीं है, हमें पता है वो क्या चाहते हैं। मुझे पूरा एतबार है बाबा, लेकिन अच्छा आप लोगों ने वहां जाकर बोला क्या? बस बेटे अब तुम वहां नहीं जाओगी वापस। क्यों? बेटा फिर वो हमें मजीद ब्लैकमेल करेंगे। अब तुम वहां नहीं जाओगी। अब तुम्हें शहरयार से भी किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं रखना। जी क्या काम है? कहाँ है ताबिश? हक्के ताबिश, कहाँ ताबिश? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, हैं क्या हुआ? ताबिश ऐसा तुम आ गई? अच्छा क्या तुम आ गई? अच्छा क्या, दो दिन से इस कमरे में कैद कर रखा था उन्होंने मुझे। धोखा देखे यहाँ लेके
चलो यहाँ से, चलो। ओए, यहाँ से नहीं जा सकता तू। ये सब क्या चल रहा है ताबिश? आप इसकी बीवी हैं, जानती हैं आप इस बेगरत ने क्या किया इस लड़की के साथ? झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब तुम देख रही हो, सब कुछ झूठ। क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ, पहले मुझसे मोहब्बत के वादे किए और उसके बाद मुझे धोखा दिया। और फिर बंद करो बकवास, मैं तुमसे कोई मोहब्बत के वादे नहीं किए। सब कुछ झूठ बनाने की कोशिश करें जान, प्लीज ट्रस्ट मी, मुझसे कितना प्यार करता हूँ, मच आई लव यू। एक तुम्हारी बात ही तो समझ आती है मुझे, और कोई जो कुछ मर्जी कहता रहे मेरी समझ में कहाँ आता है। चलो घर चलो यहाँ से। ड्रामे करना बंद करो। ये सब लोग, ये सब लोग मिले हैं, समझ आ रही है मुझे, सब लोग ड्रामे मजे ले रहे हैं। तू करने की कोशिश करें, कर चुका। ए, कैसे जा सकता तू? कैसे जा सकता? जाके दिखा। आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन घर जाके प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। सारे महल्ले को चीख चीख कर इकट्ठा कर लूंगी, मगर तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। बस बंद करो अपनी। माँ से कहो आवाज नीची रखे। हाँ, एक आवाज ही तो है हम गरीब लोगों के पास, आप अपनी दौलत से उसे भी दबा देना चाहती हैं। आपका बेटा सारी रात मेरी बच्ची के साथ। झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। मैं किसी के साथ भी ज्यादती नहीं हूँ, मगर इस वक्त इसे यहाँ से मेरे साथ जाने दीजिए। मैं कैसे यकीन कर लूं या कैसे भरोसा करूं आप? ले जाए इसे आप, मगर एक बात मेरी गौर से सुन ले, कल तक फैसला कर लीजिए, वरना मैं सारा मेला जमा करके आपके घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा और शोर मचाऊंगा, एहतजाज करूंगा, समझ गए? जाए ले जाए। जो पूछना है पूछ लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। ऐसा यार, मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने जूस में कुछ मिलाकर पिला दिया था मुझे, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा कि क्या था, मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश। मतलब तो वहां पहुंचे कैसे? मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता तुमसे। हाँ, मैं करता था उससे बात, लेकिन मेरा मकसद कोई गलत नहीं था। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा था। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब मैं वहां गया तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, पता नहीं कब से मुझसे शादी करना चाहती है और हम लोगों के दरमियान तुम हो और मैं तुम्हें छोड़ दूं, इस तरह की बातें। लेकिन उसके बाद जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल बेबस था, हेल्पलेस था। मैं चाहता था मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही थी। और मतलब तुम दोनों के बीच, तुम हो हमारे बीच और हमेशा रहोगी यार। तुम्हें और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये Happy birthday. तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक लेकर आई हूँ मैं. Yay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mani. Happy birthday to you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी मोहब्बत में आपकी खिदमत के लिए आई हूँ. किताब की बातें. किसने कहा कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में है? मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता. मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती, और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको खुश देखना चाहता है. आपने मोहब्बत को गलत समझा है. मेरी मोहब्बत ऐसी है कि अगर हासिल ना हो तो बर्बाद कर दो. इतनी हिम्मत कि मुझे ब्लैकमेल करने के बाद मेरे ही घर में आके खड़ी हो जाओ. मेरे कमरे में दो रातें गुजारने के बाद जब तुम इतनी दिलेरी से मेरे सामने खड़े हो सकते हो, तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया. अपनी जुबान पर काबू रखो लड़की. मोहब्बत का एक नाम तो ये भी है. इल्जाम मत लगाओ. इल्जाम नहीं, सबूत है मेरे पास. मेरे माँ बाप जो उस वक्त वहां मौजूद थे. झूठ, सरासर झूठ. ये ऐसा कर ही नहीं सकता. आपको तो लगता था कि आपका बेटा भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता. चला कितने गया था. पैसे चाहिए? बोलो. बस पैसा ही जवाब है तुम लोगों के पास हर सवाल का. हर कोई बताओ नहीं होता. मैं जान दे दूंगी, लेकिन मुझे अपनी इज्जत के बदले में इज्जत चाहिए. तुम यहां से जाती हो या नहीं? चली जाती हूं मैं यहां से, लेकिन याद रखना, अगर तुम खुद मेरे पास नहीं आए तो पूरा मोहल्ला आएगा मेरी बारात में. मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी. क्या कर रही? अम्मी के घर जा रही. क्यों? क्योंकि ताबिश मुझे सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में. इसलिए सुकून मतलब? मतलब ये कि फरा के साथ उस कमरे में. तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ और जा रही हूँ यहाँ से. तो उस झूठी और फ्रॉड लड़की की वजह से मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम अपनी वफादारी का यकीन दिला सकते हो मुझे? मैं क्या करूं, कसम खाऊं तुम्हारी? अब तो मुझे कसमों पे भी एतबार नहीं रहा. ऐसा मेरी आंखों में देखो. क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? कभी भी? तुम लोगों का ताबिश से क्या ताल्लुक है? नहीं, हमारा ताबिश से कोई ताल्लुक नहीं. फर्क है. और फरा मेरी बेटी है, और आपकी बेटी ने उसके साथ. बकवास नहीं करना मेरे बेटे के खिलाफ, समझ गए तुम? जब
अपने ऊपर पड़ती है आप लोगों के, तो कैसा चीखे मारते हैं आप लोग? मेरे पास सबूत है, बुलाएं अपने बच्चे को, अब पूछे उससे कि दो दिन से कहां था वो। अगर ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। वाह साहब वाह, इज्जत तो जैसे आप अमीरों के पास ही होती है ना, हम गरीब लोगों के पास तो ना ही इज्जत होती है और ना दौलत। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं अच्छी तरह पहचान गया था जब तुम इस कमरे में दाखिल हुए थे। यू ब्लैक मेलर, गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो साहब, ये अंग्रेजी मंग्रेजी तो हमें आती नहीं, हम तो यहाँ इंसाफ लेने आए थे। आप बुलाओ अपने बेटे को और पूछो उससे कि वो कहाँ था। अगर निकलते हो यहां से या मैं बुलाता हूं अभी पुलिस को। तुम लोग यहां भी पहुंच गए, देख लो यहां से आउट। चोरी और उस पर सीधा दोगी? आहा बाबा, आ गया है बेटा तुम्हारा। पूछो ताबिश, तुम दो दिन कहां थे? बाबा तू बताएगा, बता ही नहीं सकता। देखा कैसे खामोश। ताबिश तुम तो हॉस्पिटल में थे। मेरे घर में था और सबूत है मेरे पास। अरे इसकी वजह से तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मेरी बच्ची पर पूरे महल्ले वाले थू थू कर। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ट्रस्ट में आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। लोगों ने धोखे से मुझे अपने घर में कैद रखा हुआ था, बार बार नशा और शरबत पिलाते थे और बार बार बेहोश करते थे। और तुम इतने मासूम थे कि बार बार बेहोश हो जाते। ये घूरना और गुस्सा करना जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। इन बेटी की तो इज्जत गई, साथ में हमारी भी इज्जत गई। मुझे ऐसे क्या है? वैसे कमाल है लीला, हमने इतनी दुकानें देख ली, हर दुकान देख ली हमने, और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, क्यों? अभी इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास ऑलरेडी, मेरा दिल भी नहीं चाह। तुम मुझे बताओ तुम चाहती क्या हो अपनी जिंदगी से, क्या चाहती हो? हैं? मैं वापस जाऊंगा। क्या? और वो जो उन्होंने हमसे पूरे 5 करोड़ रुपए मांगे उसका क्या? मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, मेरा काम तो नहीं है ना वो पैसे जमा करना। और वैसे भी मेरा और शहरयार का रिश्ता उन पैसों की वजह से नहीं बना था। I'm sure वो भी मुझसे बात करना चाह रहा होगा। सुबह से उसने तुम्हें एक कॉल नहीं की और तुम कह रही हो कि तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रहा होगा, मर रहा होगा तुमसे बात करने के लिए। नाजी अलीना, अलीना वो शहरयार है ना? ये देखो यार, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूं, तुम मुझे स्वेटर दिखा रही हो। मैंने सोचा था जब ये बात तुमसे शेयर करूंगी तो तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, तुम खुशी से पागल हो जाओगे। कैसा सरप्राइज? तुम बाप बनने वाले हो ताबिश। क्या सच? हाँ मैं सच कह रही हूं। लेकिन ताबिश तुम मुझसे वादा करो, हम ये बात
तब तक किसी से शेयर नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देते। ऐसा क्यों, इतना अच्छा मोमेंट खराब कर रही हो ये सब बातें करके, मत करो ऐसे। प्लीज ताबिश, मेरे लिए इस तरह कमरे में बंद होकर रोया मत करो, बाहर निकलो। दिल नहीं जा रहा था तो कमरे में बंद रहने से इंसान मर जाता है, ये देख चुकी हो तुम। वो मुझे धोखा दे रहा था तो देखो बेटा, अल्लाह के बाद किस पर भरोसा है तुम्हें? शेरियार, शेरियार बेटे, कोई भी शेर, ये भरोसा ही है जो तुम इस तरह से शशोपंच में हो। बात कर लो बेटा। इसका फोन बंद देता तुम। अच्छा तो फिर मुझे फोन नंबर दो, मैं बात कर लेती हूँ। आप उससे बात करेंगे? हाँ, पहले भी तो मैंने बात की थी ना, और मैंने तुम्हें कहा था कि लड़का बुरा नहीं है, तो मुझे उसका नंबर तो दो। क्या है, क्या हुआ तुम्हें? वही हुआ जो हम गरीबों की किस्मत में होता, बदनाम कर दिया आपके बेटे ने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब किसने किया? मोहल्ले वालों ने मेरी ये हालत कर दी। क्या परेशानी है बेटा, क्यों टहल रहे हो इस तरह? फोन ही नहीं उठा रहे हैं बाबा, इतनी देर हो गई है, आज हमारी ऑफिस में भी कोई बात नहीं हुई। आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारी कोई बात हुई है? नहीं। बाबा ये अब यहीं रहेगी, क्या कर रही हो, फिर जाने की तैयारी कर रही हो? मुझे रोकने की कोशिश मत करना था, चले जाओ। मुझे पहले मेरी गलती बता दो, फिर जहां मर्जी जाओ। तुम्हारी गलती बताऊं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तो मुझे तुम्हारी कोई सफाई चाहिए और ना ही तुम्हारी बात सुननी है, मुझे घर छोड़ा। चलो फिर एक और पैक पैक करो, मैं भी चलता हूँ साथ। ऐसे क्या देख रही हूँ, अगर हमारे यहां से चले जाने से मसला हल हो जाएगा तो ठीक, मैं भी चलता हूँ। थक गई हूँ ताबिश, मैं थक गई हूँ। हमारी जिंदगी शुरू हो गई, इसे थक गई। तुम्हारी ये बातें तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। तो यहां से चले जाने से मैं बेगुनाह कहलाऊंगा? खुद सोचो ऐसा, अगर तुम यहां से चली गई तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जा रही हूं। मेरी बात तो सुनो यार, तुम मेरी ताकत हो यार। अभी मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं दे रहे, अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा मेरा साथ? तुम झूठ बोल रहे हो। इस घर में या तो वो लड़की रहेगी या मैं।
तुमने ही तो तकाजा किया था इस रकम का। तकाजा किया था, भीख नहीं मांगी थी। दाऊद, इतनी बड़ी रकम थी 5 करोड़ रुपए, मैं घबरा गया था। तुम्हें मेरी मदद करने या ना करने का हक जरूर था, लेकिन मुझे जलील करने का हक बिल्कुल भी नहीं था। I'm sorry. कुछ सुना नहीं मैंने। मैं माफी चाहता हूं दाऊद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, भेज देना अपनी बेटी, तो मेरी भी बेटियों की तरह, ये घर भी उसी का है। जा। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। हाँ अच्छा है, संभी अभी कुछ दिन नहीं आएगा। सुनो, थोड़े दूध में हल्दी डालकर पका पराठे। नाजिया मुझे बता रही थी कि सारी रात बहुत तकलीफ में थी। मुझे पहले पता होता तो मैं रात उसे खुद ही बना के दे देती। उसे कमरे में दे आना। हाँ जी। हाँ, इतनी खिदमत की है उसने हमारी, कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। जिस औरत की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, आप चाहती हैं कि मैं उसके कमरे में जाके उसे दवा देकर आऊं? लेकिन दवा देने का तो मैं कह रही हूँ तुमसे, मेरी बात को तो नहीं डाल सकती। आंटी आप मुझे कुछ भी कहें, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फरा की शक्ल मुझे नहीं देखनी। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देखना भी हमें गवारा नहीं होता, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। थोड़ा सा तुम भी करो। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। हलीना तुम आ गई, प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। हम ले आएंगे शहरयार। तुम जानती हो शहरयार कहाँ है? खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शहरयार, शहरयार, शहरयार क्या इरादा है तुम्हारा? चलो बेटा घर चलो। तुम इतने दिन मेरे बगैर कैसे रहे हो? शहरयार देख रही हो तुम, ये तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा। शहरयार तुम्हारे अबू मान गए हैं, और अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ शहरयार प्लीज, सब कुछ ठीक हो गया, खुदा के लिए घर चलो। शहरयार Thank you.
मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैंने तुमसे पैसों के खातिर शादी नहीं की थी। मुझे पता, मैं सब जानती हूँ। चलो घर चलो। पहले तुम्हें एक बात बताओ कि तुम मुझे छोड़ के तो आइंदा नहीं जाऊंगी ना? बोलो अलीना। कभी नहीं। तो तुम फैसला कर चुकी हो कि तुम वापस नहीं जाओगी? मैं तो सबकी भलाई चाहती थी। मैं चाहती थी कि अलीना अपने घर वापस चली जाए और ये भी कि सब रंजिशें खत्म हो जाए। लेकिन आपने तो फरा को लाकर मेरी सर पे बिठा दिया। मैं मजबूर था बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तुम इस तरह से घर छोड़कर यहां आ गई। मैं शर्मिंदा हूं बाबा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुन रही हूं और मेरा दिमाग मुझे इजाजत नहीं दे रहा। भाई साहब, पता नहीं तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक है। पता नहीं, खैर बहरहाल मैं ना ही तुम्हारे साथ बुरा होने दूंगा और ना ही फरा के साथ। आप भी मेरा यकीन कीजिए अंकल, अगर ताबिश वाकई कसूरवार साबित हुआ तो सबसे पहले सजा मैं उसे खुद दूंगी। मुझे अपनी होने वाली औलाद की कसम। ये क्या है? आपने वो प्लॉट बेच दिया? वो हमारी मशीनरी लगी थी बाबा। वो मशीनें हमारी किसी काम की नहीं थी। काम की थी, वो चलती थी। क्यों क्यों बेचा आपने? मेरी जरूरत थी, मैंने बेच दिया। और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद से कर रहे हो तो ये छोटी मोटी बात मैं तुमसे क्या करूं? क्या चाहते हैं बाबा? मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊं? खबरदार, खबरदार जो तुमने ऐसा करने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी सच्चाई का सबूत नहीं चाहिए। तुम सिर्फ आयजा को ये सबूत दे दो कि तुम सच्चे हो, बस मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। और याद रखना, अगर तुम आयजा को अपनी सच्चाई का सबूत नहीं दे सके तो मैं जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं करूंगा।
आज तुम अपनी सबसे बड़ी दुआ मांगो। दुआ मांगो? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ मांगो। अम्मी आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? बताए ना क्या है। जब तक तुम दुआ नहीं मांगोगी मैं नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अलीना से बात हो रही थी और उससे बात करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी में जो कमी रह जाती है वो शायद आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो सकती है, चाहे वो पैसा हो, खुशी हो, एक अच्छा हम सफर हो। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे बाप की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो देख लो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। तुम्हें मैंने यहां आने से मना किया था ना? ये तुमसे मिलने नहीं आया, अम्मी से मिलना है। हटो सामने से। ताबिश प्लीज यहां से जाओ, मुझे अम्मी से बात करनी है। अम्मी भी तुमसे बात। आयजा कौन है? आने दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बातें करने से इसे यकीन आ जाएगा माफ कर देगी तुम्हें? तीन दिन छोड़ो, एक दिन के लिए अगर आयजा कहीं चली जाए तुम्हें बगैर बताए तुम माफ कर दोगे इसे? कैसी बातें कर रही है, ऐसा होगा क्यों? मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, हमारा रिश्ता भरोसे का है। भरोसे का रिश्ता? इसीलिए तुमने ऐसी लड़की खातिर मेरी बेटी को धोखा दिया जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ना किया होता तुम्हारे घर पर आ क्यों मिली उसे? कैसी बातें कर रही है, मैं किस तरीके से समझाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस जाओ यहाँ से। आयजा चलो। आयजा कहीं नहीं जाएगी। आयजा आयजा चलो जाओ यहां से। मम्मी ठीक कह रही है, जाओ यहां से। चढ़ता सुरूर किथे लगे जाइए यारा दिल दा फतूर। अर्जी साड़ियां तू कर मंजूर, आज साड़ा हो गया है दिल मजबूर। जिंदड़ी च आईया यारा कुड़िया हजार, पर दिल कदी अड़िया नहीं। तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल बुआ खोल वे सजना।
क्या कर रही हो यहाँ पे? बोलो। ताबिश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बस कर लीजिए, मैं नहीं जानता यहाँ कैसे आई। तुम ये नहीं जानते यहाँ पे कैसे आई, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम इसके घर में कैसे पहुंच गए। बहुत नन्हे हो, बहुत मासूम हो ना तुम। ये सब कुछ तुम्हारे साथ खुद ब खुद हो रहा है ना? चुप। और तुम, जान से मार दूंगा। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? मेरी जिंदगी, उसका क्या हुआ? हाँ, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? तुम मुझे मजीद ब्लैकमेल नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा वकार और मेरी इज्जत चाहिए। तुम्हारा वकार तुम यहाँ से चाहती हो या नहीं? तुम कहाँ थी बता दूं? क्या मतलब क्या बता दूं? क्या बता दूं? हाँ बताओ। देखिए ये मुझे धमका रहा है। चला चला क्या कर रही हो तुम? थी कहाँ फरा? मैं यहाँ इस कमरे में थी। झूठ बोल रही है मामा, बकवास कर रही है ये। मैं यहीं पर थी। इन्होंने मना किया था कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊं। मैं थक गया हूँ इसकी झूठी कहानियां सुन सुनकर। आप इस पर भरोसा कर रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये रात में मेरे घर आकर मुझे मनाकर यहाँ पे लेकर आए, और अब अगर इन्होंने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसी घर में जान दे दूंगी। मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी इससे। क्या मिल रहा है आपको मेरे साथ ये सब करके? मैं क्या कर रही हूं? और अगर कुछ कर भी रही हूं तो तुम्हें जवाब देना ही। आप मेरी जिंदगी तबाह कर रही हैं और आपको जवाब देना होगा। मैं क्यों जवाब दूंगी? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें हक है, छीन लो। जो है ही मेरा उसे छीनू क्यों? गलत फहमी है, तुम्हारा नहीं है। अगर मेरा नहीं है तो मुझे ले जाने क्यों आया था? तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारी किस्मत का फैसला कर चुका है। और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कि वो फरा कैसे ताबिश से शादी करती है। आयशा तो बहुत पहले चली गई थी। मुझे लगा वो अभी तक यहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? बुरा मत मनाना, तुम जानती हो कि आयशा मुझे बताती रहती है, और मुझे लगता है कि शहरयार एक अच्छा लड़का है। उसी की वजह से मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा किया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी। ये कौन है? आयशा के अंकल हैं, बीमार है इसलिए यहां रहने के लिए आ गए। इनको क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर है। तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। ताबिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का एक राज है जो मुझसे छुड़ा है। ताबिश, बस एक बार कह दो कि तुम मेरे हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दूर हटो तुम। तुम दोनों बिल्कुल भी साथ में अच्छे नहीं लगते। वरना क्या करोगी तुम? मार दूंगी। ताबिश तुम पीछे हटो। कहाँ ना, दूर हटो। ताबिश तुम भी सुनने के लिए आई हो? गाइस तो हटो यहाँ से, कुछ नहीं कर सकती मैं। इसमें अपनी हिम्मत नहीं, रिलैक्स करो। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी। मैंने कहा छोड़ो सारा। ताबिश
मामा देख आंटी क्या कर रही हो तुम छोड़ो मैं कहता हूँ छोड़ो इसे उस लड़की की ये हिम्मत कि मेरे बेटे को गोली मारे, तुम जानती हो क्या हो सकता था, क्या हो सकता था? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब मेरी वजह से हुआ। अब कैसी तबीयत है बेटा? काबिश, मेरी जान, शुक्र है तुम ठीक हो। ताबिश, मुझसे क्यों नाराज हो बेटा? मेरा कोई कसूर नहीं। तायरा, ताबिश तुमसे नाराज नहीं है। एक्सक्यूज मी, देखिए कमरे में रश बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए। जी डॉक्टर साहब, बस एक मिनट। ठीक है बेटा, रख ख्याल रखना। आइए। ताबिश, नाजिया लीना शायद किचन में है। मैं उनसे नहीं, तुमसे बात करने आया हूं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो। जी। इतना बड़ा नुकसान तो तुम कर चुकी हो, अब क्या करना चाहती हो हमारे खानदान के साथ? मैं नहीं जानती कि ये सब मैंने कैसे सोचा, कैसे किया, कैसे ये सब मुझसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने कैसे सोचा, कैसे किया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा के लिए बेटे से बात करना तो दूर, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगी, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, समझे तुम? मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर आप मुझ पे उससे मिलने पे पाबंदी लगा देंगे तो मैं जानती हूँ कि किसी और की जान लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी जान लेना बहुत आसान। मैं पूरी दुनिया के सामने आपके बेटे की मोहब्बत का नाम लेकर खुदकुशी कर लूंगी, जो जिंदगी में मेरा ना हो सका मरते वक्त उसकी बदनामी का दाग साथ लेकर जाऊंगी। ये बात आप भी ज़हन नशीन कर ले। अरे आप यहां इस वक्त? ये आपके हाथ में दवाएं क्यों हैं? बताइए ना। दाऊद ने मुझ पर केस कर दिया है। क्या? उसने बड़ी चालाकी से वो 5 करोड़ वाला चेक बाउंस करा दिया। वाकई? और इस केस में पता नहीं उसने मुझ पे क्या क्या इल्जामात लगाए हैं। 20 करोड़ का हर्जाना किया है मैंने। ओह, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस। तायरा, आप कहें तो मैं बात करूं उससे।
कोई जरूरत नहीं है। जलील इंसान से खुद ही निपटूंगा। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, स्ट्रेस करके देख रहा हूं। बहुत शौक था ना बीच में आने का। तो क्या करता? तुम्हें गोली खाने देता? कभी कभी मैं सोचती हूँ ये सब क्यों हुआ, लेकिन फिर मुझे तुम पे गुस्सा आने लगता है। तुमने उस लड़की को इतना मुंह ही क्यों लगाया कि बात यहां तक पहुंच गई? उससे हम हमदर्दी कर रहा था यार, बस। वो एक बेसहारा लड़की है, तुम्हारे सहारे और हमदर्दी को वो मोहब्बत समझ बैठी होगी। ऐसा ही हुआ। वो क्या बात कर रही थी उस दिन तुम? मैं? हाँ, तुम कह रही थी ना कि कोई राज है जिंदगी का जो बताना चाहती हो, जिस दिन ये सब कुछ हुआ। वो तुम ऐसे ही मजाक कर रही थी तुमसे। मजाक? हाँ, तुम्हें तंग करने को दिल कर रहा था इसलिए कुछ भी कह दिया। श्योर? मैं 100%। पागल, कब ठीक हो गया है? थक गया हूं, थोड़ी देर सो जाता हूं। प्लीज। चाबियां ले आए? दाऊद, तुम जो कह रहे हो वो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कब क्या कह रहा हूं? जो भी कह रहा है कानून कह रहा है। तुम इस कदर गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था कभी। हाँ, मगर मैं सोच सकता हूं कि तुम किस कदर मजबूर हो, क्योंकि ये सब कुछ मैंने प्लान किया था। मेरी बात गौर से समझ लो, मुझे हर सूरत कायनात विला चाहिए, वरना मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊंगा। समझ गए? क्या हुआ मामा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दो ताबिश। ऐसे क्यों कह रही है? क्या हुआ? बस इस हादसे से मैं डर गई हूं। मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तुम भी माफ कर दो मुझे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। कल बर्थडे है तुम्हारा, मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। अपनी अम्मी से कहना कि वो भी आए। अम्मी तो शायद नहीं आ सकेंगी, लेकिन नहीं, तुम इसरार करना कि वो जरूर है। मैं इंतजार करूंगी उनका। अचानक उन्हें कैसे ख्याल आ गया तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करने का? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? मतलब एक इंसान बदल भी तो सकता है ना। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि वो औरत वो तो कुछ भी कर सकती है। तुम खुद सोचो ऐसा,
कि जो औरत तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती वो तुम्हारी सालगिरह क्यों मनाएगी? मम्मी आप आएंगी ना? मैं तो पहले ही बहुत कंफ्यूज हूं। मैं वहां आ जाऊंगी तो इनके पास कौन रहेगा? फरिया तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारी बेटी का ससुराल है वो, और अगर जरूरत हुई तो मैं आ जाऊंगी यहां। हाँ चलो मैं अब जाती हूं। क्या बात है, मैं आ जाऊं क्या? क्या क्या कहा तुमने? क्या क्या कहा? यहाँ क्यों आई? आपने मुझे दादी समझा है कि एक कमरे में कैद करेंगे और मैं आराम से बैठ जाऊंगी? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अब आप कौन सा खेल खेल रही हैं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसकी सालगिरह मना रही हैं आप, आयशा की? बेवकूफ लड़की हो तुम, जाओ अपने कमरे में। हाँ आपने तो मुझे बेवकूफ समझा है, अब तक आप मुझे इस्तेमाल कर रही थी ना। फरा यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊँ मैं यहाँ से? आपने मुझसे इतना सब कुछ कराया और जब अपने बेटे को गोली लगी तो आप बदल गई, फौरन से उसको बहू मान लिया। बेवकूफ लड़की हो, बेवकूफ। कभी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगी। आपने मेरे किए कराए पे पानी फेरने की कोशिश की है, मैं आपको अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाऊं। मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि मेरा फैसला गलत है। जाओ यहां से। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ ताबिश। फरा जाओ यहां से। एक मिनट अम्मी, बोलने दें से। ये बार बार कहती है कि कुछ ऐसा बताना चाहती है जिससे कयामत आ जाए, तो आज सब यहाँ मौजूद हैं। बताओ, बोलो। आयजा के बाप का नाम क्या है ताबिश? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक? मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम्हारा और इस घर का जरूर है। तुम जानते भी हो कि नहीं, कभी इससे इसके बाप का नाम पूछा है? अगर वो जिंदा नहीं है तो कभी कब्र पर गए हो उनकी? ये क्या बदतमीजी है, किस तरह से बात कर रही हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। ताबिश, क्या हो रहा है ये? कैसे मर्द हो तुम ताबिश, जिस लड़की से शादी की उसके बाप के बारे में जानने की कभी कोशिश भी नहीं की? आयजा शाह सुलेमान की बेटी है। क्या? क्या कह रही है ये? तुमसे पूछ रहा हूं, ये क्या कह रही है? चलो सबको बताओ ये झूठ बोल रही है। बताओ सबको कि ये झूठ बोल रही है। ये ठीक कह रही है ताबिश। हाँ और मैं ये जानती हूं इधर देखो मेरी तरफ, सच बोलो। क्यों झूठ बोल रही हो? देखो सब लोग सुन रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं, बताओ सच बताओ मुझे।
हाँ, मुझे सच बताओ, सच क्या है? ताबिश। अच्छा, तो तुम हो। बड़ी ख्वाहिश थी मुझे तुमसे मिलने की। मुझे भी बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। क्या आपके सामने खड़े होकर आपको बता सकूं कि जिस औरत को आप लोगों ने हकीर और कमजोर समझा था, वो आज मजबूती से आपके सामने खड़ी है। जाओ। जाओ। चलो आयशा, चलो मेरे साथ। मुझे एक बार बात करने दे। ताबिश से हो गया बदला पूरा आपका, मिल गया सुकून आपको? हाँ, मिल गया सुकून। हकीकत खुलने के बाद उनके चेहरे देखकर कुछ तो सुकून मिला है मुझे। और मुझे इस तरह देखकर भी आपको सुकून मिल रहा होगा ना, है ना? यही चाहती थी ना? इतना हलकान क्यों हो रही हो? कभी ना कभी तो सच्चाई खुलनी थी ना उन पर। मैंने कहा था कि मैं ताबिश को बता देती, तो मुझे बताने देती ना। क्या हुआ मेरी बच्ची? पापा, पापा मैं क्या करूं? थी, अजीब सी घबराहट हो रही है। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं कोई हादसा हुआ। 15 साल कोमे में पड़ा रहा, बहुत सजा काटी उसने, उस गुनाह की जो उसने कभी किया भी नहीं। क्या मतलब गुनाह किया नहीं था? वही जिसका इल्जाम लगाया था तुमने। मैंने उस पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो था ही ऐसा। बहुत हो गया, बस कर दो ताहिरा, बस कर दो, बहुत हो गया। सही कहा, जिस शख्स की मैं शक्ल देखना गवारा नहीं करती थी, उसकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसा कर उससे शादी कर ली और किसी को पता ही नहीं चला। कहा मैंने शादी से पहले कि लड़की का पता करवाने, लेकिन नहीं, बाप बेटे के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। अब चाहे ये अनजाने में हुआ या जानबूझ के किया गया, इस घर में अब आयशा ही रहेगी, एक और घर नहीं बर्बाद होगा। घर तो उसी दिन बर्बाद हो गया था जब इस लड़की ने पहला कदम रखा था इस घर में। मेरी समझ में आने लगा है कि नाजिया और अलीना की जिंदगी में जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। ये लड़की आई ही इस नीयत से थी कि इस घर को बर्बाद करेगी, बदला लेने आई थी ये लड़की यहां। बदला नहीं, अपना हक लेने आई है वो। हक मांगती तो मैं उसके मुंह पर मारती, लेकिन ये लड़की तो धोखा देने आई थी, और धोखा देने वाले की सजा ये है कि वो आइंदा यहां कभी नहीं आएगी। तुम जानते हो ना मानी कि
कि मैंने तुमसे उससे ज्यादा प्यार किया है। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं कमरे में बंद होकर रह गई थी। वो आता था मुझसे बात करने के लिए तो मैं चीखती थी, उसे मारती थी। आयजा आई तो मैं ठीक होने लगी। बहुत खुश था वो, चाहता था कि मैं उससे बात करूं। लेकिन कल जब वो मेरे कमरे में आया तो जैसे बिल्कुल टूट चुका था। बेटा बात अब घर तक आ गई। घर तक? हाँ, हलीना है ना, शाह आलम की सबसे छोटी बेटी, दाऊद उसका ससुर। उसने खुदा मालूम क्या झूठे मुकदमे किए, क्या किया है कि वो चाहता है कि कायनात विला को बेच दिया जाए। और दाऊद वहां रहे। रहता कहां है ये दाऊद? दाऊद, ये क्या हो रहा है? जो काम मैंने जिंदगी भर नहीं किया वो काम करने पर मजबूर मत करो मुझे। कायनात विला मेरा है, मेरे भाई का है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जाके पुलिस को फोन करो। आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने अपने घर वालों और उस घर के बाहर गुजारी है, और अभी तक उस घर में जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन और जिसने भी उसकी तरफ मैली आंख से देखा, खुदा की कसम जान ले लूंगा उसकी। इस एफिडेविट पे अभी साइन करो, अभी। तू आप साइन कर दे, प्लीज साइन कर दे, खुदा के लिए साइन कर दे। चलो शुक्रिया तुमने कुछ खाया तो। अभी तुम आराम करो और बेटा सोच समझ कर जो भी फैसला करोगे ना तुम, मुझे यकीन है तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं फरह से शादी करूंगा। वाकई? धोखेबाज से मोहब्बत नहीं की जा सकती, उससे सिर्फ नफरत होती है। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं उससे नफरत जरूर करता हूं। मैं वो ही करूंगा जो आप मुझे कहेंगे। मैं तैयार हूं फरह से शादी करने के लिए।
की परेशानी थोड़ी कम करने की कोशिश की है। दाऊद अंकल ने आपसे माफी मांगी है। दाऊद, और माफी? हमने जाके उनसे बात की थी अंकल, पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें धमकी दी कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं दाऊद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये साइन तुमने किए? नहीं बाबा, दाऊद अंकल ने साइन किए। इससे पहले भी तो तुम अपना घर छोड़कर चले गए थे और दाऊद ने तुम्हारी एक बात नहीं मानी थी, अब कैसे मान ली है? बाबा, उन्होंने मेरे सामने साइन किए। सच सच बताओ क्या चल रहा है, बताओ। वो वैसे तो मुझे बताने से मना किया है, लेकिन वहां चाचू आ गए थे, शायद दादा ने उनको सब कुछ बता दिया होगा, उन्होंने आके दाऊद अंकल को समझाया। समझाया या उसे सबक पढ़ाया गया? उनके आके दाऊद अंकल कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आप उनको घर बुला लें बाबा। ये कैसी खामोशी है, मैंने उनसे भी पूछा तो वो भी खामोश हो गए। आपका दिल नहीं चाहता उनसे मिलने को? सिर्फ एक दफा के मिलने की बात है अंकल, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी गम है जमाने में अलीना बेटी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मां की बात मान ली है, वो फरा से शादी के लिए तैयार है। ताबिश, उठो बेटा, उठ के तैयार हो जाओ, इतने कहा है तुम्हारा फरा से। क्यों, क्यों किया ऐसा? क्या किया? मैं सारी रात बैठ के ये सोचता रहा, क्या मिला आपको ये सब करके? क्या मिला? क्या कह रहे हो, क्या किया मैंने? फरा कौन है मामा? कौन है फरा? कौन है फरा? तुम नहीं जानते हो कौन है? तुम्हारी दादी की नर्स है, और कौन है फरा? शालू, इससे कहिए तैयार हो, देखें क्या हुलिया बनाया पहले। तायरा, ये जो भी कुछ कर रही हो ना तुम, ठीक नहीं कर रही। क्या मतलब है? अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत बात है? पूछिए इससे, ये रहना चाहेगा उस धोखेबाज लड़की के साथ? यह कौन कौन झूठ बोल रहा है, सच सच बताएं मामा। कौन झूठ बोल रहा है? जाहिर है तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, और कौन झूठ बोल रहा है?
अगर वो झूठ बोल रही है तो फिर आप बता क्यों नहीं कि फरा कौन है, उसका आपसे क्या ताल्लुक है? मैं बताती हूँ। हाँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप? क्या पक रही हो तुम? मैं जा रही थी लेकिन मुझे ख्याल आया कि आपको मेरी गवाही की जरूरत होगी। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि उस दिन भी ये औरत गलत थी जिस दिन शाह सुलेमान से इनका झगड़ा हुआ। ये वो औरत है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। क्या पके जा रही हो? ये खाला है मेरी। ये मुझे इस घर में लेकर आई ताकि अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं दादी को कभी भी ठीक ना होने दूं। ताकि वो उस दिन की हकीकत को ना बता सके। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हुआ था उस दिन तायरा? झूठ बोल रहे चाल, आप क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ना चाह रहे? इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो। मुझे झूठा कह रहे हैं आप? मैं झूठी हूं? मुझे झूठा समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, झूठी हूं मैं, झूठी हूं। नहीं जरूरत है मुझे आप लोगों में से किसी की भी। चले आओ तुम लोग सारे यहां से, नहीं है मुझे किसी की जरूरत। जाओ, 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 जाओ। आयशा, क्यों बोला झूठ? तुमसे बात कर रहा हूं, झूठ क्यों बोला? ताबिश, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। ना मैं ये जानने आया हूं कि पहले क्या हुआ था। मैं यहां सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम्हारी मजबूरी मेरी मोहब्बत ज्यादा अहम थी? किससे डर रही थी तुम? भरोसा नहीं था मुझ पे? नफरत करते थे तुम शाह सुलेमान से क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती। ताबिश, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो इतनी तकलीफ ना देती। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा। आप भूल जाओ ये सब। भूल जाओ सब? भूल जाओ? ठीक, भूल जाता हूं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। ये भी भूल जाता हूं कि मैंने क्या कुछ सहा। लेकिन एक लाचार जिंदा लाश की तरह इतने साल जो मैंने अपनी बीवी और मासूम सी बच्ची को अजियत में रखा और कुछ ना कर सका, वो कैसे भूल जाऊं? देखो बेटा,
तुम दोनों भाई आमने सामने बैठे, जो कहना चाहते हो एक दूसरे को कह लो। बात करने से अगर मसाइल हल होते तो कब के हल हो चुके होते अम्मा। दे दो मुझे सजा, दो। और बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम मुझे सजा दो। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे ना, तो मैं तुम्हारे उन गमों का इजाला नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे दो सजा। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को सजा नहीं देनी, और आपसे माफी भी नहीं मांगनी। सजा तो मैं लेकर ही जाऊंगा, मानी? दो मुझे सजा, दो सजा मानी। मैं मानी नहीं शाह सुलेमान, हमारे लिए तो तुम मानी ही रहोगे। मैं नहीं जानता था कि इतने सालों बाद फिर उसी तरह से आपके सामने बैठूंगा। ये सब कुछ कोमल ने किया है, वरना मैंने तो कभी वापस ना आने की कसम खाई हुई थी। जैसी जिंदगी मैंने गुजारी आलम भाई, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद झेल ना पाता। लेकिन इनकी बीमारी और आयशा की मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा, और शायद बदले की उस आग ने जो मुझसे वो सब कुछ करवाती रही जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक मानी, जो हुआ सो हुआ, घर चलो, सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जाओगे बेटा, आखिर वो तुम्हारा घर है। मुझे पता है वो मेरा घर, मैं उसमें रहता था, मगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूं। कब तक अपने तरीके से जिंदगी गुजारोगे मानी? चलो घर चलो। हाइजा बेटा, ये बचपन से इसी तरह का जिद्दी है, पता नहीं इसकी ये जिद कब खत्म होगी। चलो बेटा घर चलो। आयशा कहीं नहीं जाएगी, और मैं भी यहीं रहूंगा। किताब इतने सालों बाद अब जाके पढ़ी। अगर मर जाता तो अधूरी रह जाती। मैं समझा फरीहा है। वैसे फरीहा का नाम पहले कोमल था, सोचा बता दूं, कहीं ये न सोचो कि ये भी छुपाया था।
बैठो। बहुत नफरत करता था आपसे, बहुत नफरत। सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। एक बार दादू ने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी तरह लगता हूं, बहुत गुस्से में आ गया था। मुझे लगता था कि हमारे घर का जो हाल है इसके कसूरवार आप हैं, लेकिन असल कसूरवार तो कोई और ही था। कसूरवार सिर्फ वक्त था। अगर उस वक्त में भी अकल से काम ले लेता तो शायद ये सब ना हुआ होता। सारी जिंदगी आपसे बदजन रहा, आपको गलत समझता रहा। अगर हो सके तो माफ कर दीजिएगा। तुम गलत नहीं थे और ना गलत हो, तुम वाकई मेरे जैसे सच्चे, ईमानदार, मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत हासिल करने वाले इंसान हो। मुझे माफ कर देंगे ना? अरे हाँ, माफ किया। अब तुम भी सबको माफ कर दो। डैड जीती हो बेटा, तो बैठो बैठो बैठो। बेटा इधर बैठो। बेटा ये सब कुछ जो मैं कर रहा था ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। मैं तो अपनी जिंदगी तकरीबन गुजार चुका, मगर ये सब करते करते ना जाने क्यों ये सब मेरी सिद्ध बन गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए डैड, मैं बस चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहे, एक घर में रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर छोटा हो या बड़ा, बस इतना बड़ा हो कि मुझे अकेलेपन का एहसास ना हो।
छोड़ के नहीं जा रहे, मैं यही हूँ आपके पास। छोड़ो इसे। आराम करो। Tapish, Tapish, Tapish.